मारेगी तो नहीं, लेकिन अदालतों में तो घसीट सकती है। पहले अगर कोई प्रोफेशनल बीवी ले लेंगे आप, तो जो आपके बच्चे होंगे उनको संभालने के लिए फिर आपको एक और बीवी लेनी पड़ेगी। बीवी लॉयर होनी चाहिए या डॉक्टर? यार देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, जो बीवी है ना लॉयर होनी चाहिए ना डॉक्टर। अगर लॉयर ले लोगे वो, उसको तो अपने राइट्स पहले औरतों के इतने ज्यादा है, उसको तो और पता चल जाएंगे, वो आपको अदालतों में घसीटती रहेगी सारी उम्र। और तो आपको अदालतों से डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगता, लेकिन वो घसीटती रहेगी जब आपकी सारी उम्र ये अदालतों में गुजरेगी। और अगर आप डॉक्टर, कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? मेरा खुद लॉ डिपार्टमेंट। लॉयर होके डर रहे हो? डर नहीं रहा, अगर मुझे पता है कि राइट्स बंदे को इतने पता चल जाते हैं, अगर बीवी को उतने पता चल जाए, तो फिर आपकी उम्र दिन रात अदालतों में गुजरेगी। मारेगी तो नहीं, लेकिन अदालतों में तो घसीट सकती है। यार बीवी जो है वो डॉक्टर भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्टर होगी वो अपने प्रोफेशन में भी बिजी होगी, ठीक है, और आपको आपके दर्द की दवा आपको उस अपनी बीवी से नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बीवी जो है वो किसी प्रोफेशन की नहीं होनी चाहिए, बस जो बीवी है जस्ट हाउसवाइफ हो, आपके बच्चों को संभाले। अगर कोई प्रोफेशनल बीवी ले लेंगे आप, तो जो आपके बच्चे होंगे उनको संभालने के लिए फिर आपको एक और बीवी लेनी पड़ेगी। अगर बीवी इंजीनियर हो तो? इंजीनियर यार ये किसका नाम ले दिया, उनकी तो अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, वो मेरी क्या बनाएगी।